Did you ever think of me as your best? Just call me Bobby, ya fir BB, short for Bobby Baby. Oh, a rose for a beautiful lady. एक बात बड़ी अच्छी लगी मुझे आपकी, आपका स्टाइल पूरा वेस्टर्न है मगर ख्याल फुल इंडियन, और ऐसी लड़कियां मुझे बड़ी सोनी लगती है. अलाउ मी वेट अ वायग्रा फॉर द लेडी. अब फॉयग्रा फॉर द लेडी, अ बोलोनीज मैरिनारा एंड अ मुलेटिनी पिज्जा, दैट बी ऑल, थैंक यू. और वैसे मैं एक चीज आपको बता रहा था कि आप क्या. Can I help you? Not yet. I am expecting someone. मैंने कहा था लड़की तो लंदन में पली बड़ी है. Excuse me. Hi. Namaste जी. Namaste. Myself Jasmeet Malhotra. Jasmeet Malhotra, daughter of Manmohan Malhotra. Please, have a seat. Thank you. Sorry for you. Thank you जी. Would you like to order now, sir? Orange juice. And for madam? Oh, I'll have a vodka, please. Vodka? Will it be a large? Yeah. Sure. Thank you. Hello. जैज, मेरे सारे बॉयफ्रेंड्स मुझे जैज बुलाते हैं. बॉयफ्रेंड्स? नो थे, दुनिया के हर कोने से एक, लेकिन मैं सबको सिर्फ आर्ट के बारे में बताती हूँ. अच्छा. बताए क्यों? एक्चुअली वो जो नोवा था ना, वो दूर का रिश्तेदार था ओसामा बिन लादेन का. वो लड़का भी अच्छा था, बट नाउ आई एम जस्ट टायर्ड. ये वन नाइट स्टैंड्स, अफेयर्स, सिगरेट, शराबें, बिना रोमांस का सेक्स. सेक्स? एंड बीबी ना, मैंने मम्मी डैडी से कह दिया कि अब मैं तो किसी अच्छे हिंदुस्तानी लड़की से शादी करूंगी. बट द फैक्ट इज बीबी, क्लासिक के बाद से मेरा कोई इंडियन बॉयफ्रेंड नहीं रहा है. वो वाला भी यूजलेस था, ठीक से किस भी नहीं कर सकता था. आपको किस करना आता है ना? ओ काके, घंटी बज रही है तेरी. हाँ पाजी, बहुत जोर से बज रही है, लेकिन आपको कैसे सुनाई थी? ये पागल है क्या? ओ माँ. डैड, बढ़िया रहा. बॉबी बंदा नहीं, रब है रब.
एकदम कूल। हाँ, बहुत पसंद आया मुझे। हाँ, अच्छा, उसकी मम्मी से भी मिलना है। श्योर डैड, जब आप बोलो। ओके डैडी, बाय डैडी। टैक्सी। जो भी बॉबी के साथ हुआ, I'm very sorry पर जाए। I'm very sorry। जी, thank you। बेबो। Ha. Yeah, I like these. All right, look good in you. Really like your jeans as well. Oh, no, sir. Sorry, sir. This jeans for ladies only. Yeah, I know. Oh, you want like this for your daughter? Dad, I'll choose my own jeans. Oh, for your wife then. Not really. Dad. Look, I've met someone. Your mother doesn't know about it yet. You're having an affair. You're having an affair? Congratulations. What kind of affair? Is it small one, big one? You see, I have a friend who specializes in handling affairs. Oh, yes. Her side business is catering. In fact, I have a card. There you go. There's a number on the back. Excuse me. Kuch bhi kehne rehti hai tu. I'm free. A free-falling soul. शो खत्म हो गया। आगे देखो। आप हिंदुस्तान से हैं? No, Harris Street से। बॉबी बेटी की माँ का फोन आया था। बॉबी को बहुत बड़ा शॉक लगा। किससे? गीजर से? ओ, तुम्हारी बेटी के करतूतों से। तुम्हें पता है कि जसमीत के नौ बॉयफ्रेंड रह चुके हैं, जिनमें से एक का नाम वो नहीं बताती है? नहीं। तुम्हें ये भी पता है कि आठवीं में उसने हिंदुस्तानी मुंडे को किस किया था जो किस करना नहीं जानता था? हाँ? और तुम्हें ये भी पता है कि वो 4-5 वोट के टिका देती है? क्या? और अब खुशी की बात ये है कि अब सब उसने छोड़ दिया है और वो बॉबी बेदी से शादी करने के लिए राजी हो गई है। ओ, मेरी जसमीत। ओ, क्या तेरी जसमीत? मेरी जसमीत। ओए, काम कर अपना। हे भगवान, क्या होगा इस लड़की का अगर ये सब कुछ सच में हुआ है तो? And he's sang completely frantic. Oops. Hello, Steve. Hey, Jazz. Don't you wish your girlfriend was hot like me? Mission accomplished. Woohoo! Kaisa mission? It's a long story. Aadhi bottle vodka pet ke andar thick accent mein Russian bol rahi hai. Let's grab a bite. Come on. Okay. Bye, Steve. Bye, girls. Bye. तो इंडियन लड़कों से शादी करने में क्या प्रॉब्लम है? वो इंडियन है, यही प्रॉब्लम है। और तू क्या है? तू भी तो इंडियन है। आई एम ब्रिटिश। लुक, मैं इंडिया में पैदा नहीं हुई, मैं कभी इंडिया गई भी नहीं। मेरे पेरेंट्स यहाँ की सिटीजन है। 3 साल की उम्र से मैं दिल पे हाथ रखे यहाँ का नेशनल एंथम गॉड सेव द क्वीन गा रही हूँ। मैं यहीं पली बड़ी हूँ, तो मेरा एटीट्यूड, मेरी थिंकिंग, मेरी पसंद सब ब्रिटिश है। मैं इंडियन कैसे हो सकती हूँ लैला? तो तेरी पसंद का लड़का होगा? ब्रिटिश, क्लासी, स्मार्ट, somebody like. Hey Jazz! कोई ऐसा? अपने बॉस मिस्टर चार्ली ब्राउन जैसा? पता नहीं, पर हो भी सकता है। नहीं हो सकता। बाय। एक नंबर का फ्लर्ट है। उसकी 3 बार 3 टाइप की लड़कियों से शादी हुई और 3 बार 3 टाइप का डिवोर्स। और ऑफिसर फेस का तो वो अनक्राउन किंग है। और सबको पता है कि इस बार उसका टारगेट तू है।
Bye. Come on then. Did I ever tell you I love jazz? I could listen to jazz all day. Oh, what a coincidence. Because I love people who can listen to jazz all day. Here we are. You didn't tell me your meeting was at Buckingham Palace. Did I not? Sorry, must have slipped my mind. Are you meeting the Queen? Not the Queen, exactly. My son, Prince of Wales. Doesn't he live at Clarence House? Well, just say the Prince is visiting his mum at the palace and wants to have me drop by so we can rash out some ideas for a little charity gig we got lined at the end of the month. I'm impressed. Shall we go in, then? No, I'm not dressed to meet a prince. I think you go ahead. I won't be long. By the way, tera idea kamal ka tha. Chai pack vodka ke maine piye, lekin lifetime ke liye Bobby Brady out ho gaya. Tere dad to gussa honge tere se. Yeah, I know. Main to unka phone hi nahi utha rahi hu. Aur unke Sony ke time tak I think ghar bhi nahi ja rahi hu. Kal subah tak you would have cooled down. Lucky you. Mere abu to mere paida hone se hi naraaz hai mujhse. Hey, by the way, how's Susan? Oh, Susan is fantastic. You're sick. No, she's fine. Jazz says hello. Hi, Jazz. Hi, Susan. Ye me? Usko pata hai na ki Pakistan ek full-fledged country hai? Sirf ek cricket team nahi? I mean, map pe bata sakti hai na ki Pakistan hai kahan? Main sab kuch sikha dunga, Jazz. I'm sure. मैं सूजन के साथ शिफ्ट हो रहा हूँ। We'll be living in. You're what? From part-time lovers to full-time live-in lovers. अच्छा, तो तेरे अबू को ये गुड न्यूज़ मैं दूँ या तू खुद देगा? Living in? ओए खबीस, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये बात करने की? लेकिन खुदा के वास्ते थोड़ी ठंड रखो। तू चुप कर। तू तो चिल्ला क्यों रहा है? मोनी, सब खैरियत तो है? मोनी, तू इस खोते के दिमाग में थोड़ी सी सेंस भर दे। क्यों, क्या हुआ? सेंस, नॉनसेंस कहीं का। अरे इसे समझा कि किसी गैर लड़की के साथ बगैर निकाह के रहना गुनाह है, गुनाह। अरे इसे सही तरीके से समझा वरना कत्ल हो जाएगा मेरे हाथों। क्या कर रहा है तू परवेज? छोड़ दे इसे। और इतना गुस्सा तेरे लिए ठीक नहीं है। गुस्सा? ये मेरे जलूस निकालने पर तो लावा और तुम कह रहे हो गुस्सा ठीक नहीं है। ओके परवेज, अगर तुम्हारी बेटी ने ऐसा किया होता तो क्या तू मुझे यही मशवरा देता? लेकिन अब्बू, उसने भी तो आज एक शादी से पीछा छुड़ाया है। Shut up! निकल, निकल! परवेज, चल, निकल! यार अपने बच्चे हैं यार। हाँ, अपना समय। परवेज, चल, चल। परवेज, क्या कर रहा है तू? चल एक मिनट। क्या पकड़? और आइंदा अपनी शक्ल मत दिखाना। दबाओ जा। यार मैं कभी-कभी सोचता हूँ कि
मैंने इंग्लैंड में आके गलती की है, पर कभी कभी ये भी सोचता हूँ कि लंदन की बजाय अगर मैं ब्रैडफोर्ड में होता तो शायद ये गलती ना होती। इमरान, मैं पाकिस्तानियों में पला बड़ा होता तो कभी ऐसी जलील हरकत ना करता। खानदान का नाम मट्टी में डबो दिया उसने, मेरी तो समझ में नहीं आता वो ऐसा करता क्यों है। कैसे समझ में आएगा परवेज, यही तो जनरेशन गैप है। यार मैं टैक्सी ड्राइवर हूँ, कोई बैरिस्टर नहीं हूँ, जिंदगी के दाव पेज मेरी समझ में नहीं आ सकते। तो मैंने कौन सा तीर मार लिया? मेरी बेटी जसमीत से जायज कब हुई, कैसे हुई, कुछ पता नहीं। ना तो उसका नया नाम समझ में आता है और ना ही उसके नाम का संगीत जिस पे वो नाचती है। सवा बज रहे और जसमीत अभी तक घर भी नहीं आई और तुम चैन की नींद सो रही हो। आप बाथरूम गए थे ना, तब मैंने आपकी ब्रांडी में से दो घूंट पिए थे। Very funny. मजाक भी नहीं समझते क्या? Not this time of the night, please. उसने मुझे फोन किया था कि वो रेट्रो डिस्को जा रही है अपने कलीग्स के साथ। ये ऐसे फोन तुम्हें ही क्यों करती है? क्या लोगी? लिक्विड डाइट पर हैं ये, शराब से काम चल जाएगा और साथ में म्यूजिक भी लगा दो, पी कर झूमना भी तो है। आखिर तुम करना क्या चाहती हो? टेल मी। कल सुबह शादी का मजाक उड़ाया, दोपहर माँ बाप की बदनामी के ढोल पीटे और रात को उस अंग्रेज के साथ शराब पी के नाचते गुजारी। ठंड रखो जी, ठंड नहीं रख सकता मैं, नहीं रख सकता। आप एक छोटी सी बात का इश्यू क्यों बना रहे हैं? शराब मैं सिर्फ नाइट्स आउट पे पीती हूँ। ओह थैंक यू माय डियर, थैंक यू। शुक्र है कि आपने दिन में शुरू नहीं की। नाइट्स आउट व्हाट ब्लडी नॉनसेंस। डैड व्हाट्स योर प्रॉब्लम? पीती हूँ तो अपने पैसों की। जैज ये कोई लॉजिक नहीं हुआ, जहर अपने पैसे का खाओ या दूसरे का, बात तो एक ही है ना। व्हाटएवर इट इज, आई एम एन एडल्ट और मेरी लाइफ है, मेरी मर्जी चलेगी। इट्स नॉट ऑफ योर बिजनेस। इट इज माय बिजनेस, इट इज माय बिजनेस। तुम्हारी जिंदगी जब तक इस घर में है वो मेरी बिजनेस है और मैं तुम्हारी जिंदगी को शराब में डूबने नहीं दूंगा। तुम दोनों जरा कूल रहो ना। तुम बीच में मत टोको, आज बात साफ साफ हो ही जाए। योर डैड राइट, बात तो साफ है, मुझे अपनी लाइफ अपनी तरीके से जीनी है तो मुझे अपनी अकोमोडेशन भी ढूंढ लेनी चाहिए। जैस सब तेरी गलती है, सब तेरी गलती। तूने कहा था ना कि मेरी कुड़ी जसमीत सिर्फ वही स्कूल जाएगी जहां अंग्रेज आते हैं इस दिन के लिए। तो क्या स्कूल में सिगरेट शराब चालू कर दी थी उसने?
वहां से तो अच्छी पढ़ लिख के निकली। ज्यादा बकवास ना करी मेरे नाला प्लीज। तूने उसे चढ़ा के रखा था कि पुत्र अंग्रेज दोस्त होने चाहिए। अंग्रेज दोस्त तो बॉयफ्रेंड ही रह गए, एक था वो इमरान और लैला को छोड़कर। तो क्या कुएं का मेंढक बना के रखती उसको? वो तो बन नहीं सकी मैम, तो अपनी बेटी को बनाने चली है। कभी देखा कैसे कपड़े पहनती तू? कोई जिसम है कि तू जीन पैंट चढ़ा के घूमती है? अंग्रेजी ऐसी कटर पटर पटर बोलती है जैसे कोई गाली दे रहा है। सब आपकी गलती है। आपने पंजाब की इस सीधी सादी लड़की के साथ शादी की और उसे 4 साल वहीं तड़पने के लिए छोड़ दिया। आपने मुझे वहां से बुला के कहा कि अब लंदन ही मेरा घर है। आपने जताया कि मेरे ठेठ पने की वजह से आप मुझे बाहर नहीं ले जा सकते क्योंकि आपको शर्म आती है। जीन्स इन देसी रानों पे अच्छी नहीं लगती, जानती हूँ। मेरी अंग्रेजी भी बहुत खराब है, जानती हूँ। लेकिन करना पड़ा आपके लिए। मेरी बेटी के साथ बाहर जाने में आप जैसे हिंदुस्तानी को शर्म ना आए, इसलिए मैंने अपनी बेटी को ऐसा बनाया। अरे प्यार नाल भी एक गल समझा सकती है मुझे? गुस्सा क्यों होंगी प्यार नाल के? तुम पागल हो क्या? ओए नहीं हो, नहीं पागल नहीं हो। एक अंग्रेज लड़की का हिंदुस्तानी बाप हूं। A rose by any other name would never smell so sweet. Flowers, vintage wine, private yacht. I think I know what's on your mind. Are you sure? Might be in for a surprise. Yeah? Marry me. Is this a joke? No, it's not. Jazz, marry me. Isn't this all happening a bit too fast? I don't believe in wasting time. Phone. What? Your phone, it's ringing. Oh. Dad. So sorry. अब क्या हुआ डैड? मैं क्या जसमीत, तू मैंने माफ कर दे प्लीज। डैड क्या आप दिन में पी रहे हैं? ओए नहीं, ओ नहीं। डोंट लाई, आप पीने के बाद ही पंजाबी बोलते हैं। तोर फुटे मुंह। जब मैं जज्बाती होता हूँ तब पंजाबी बोलता हूँ। अच्छा भाई मन रहा कि तेरी लाइफ है, तेरा पैसा है, असी कौन थे, असी खामा खाइम। अच्छा भाई तू मैं माफ कर दे प्लीज, और एक बोनस ऑफर है तेरे लिए। डैड ये सब बाद में कर सकते हैं। अरे हूँ ऑफर तो सुन ले, मैं तुम्हें और तुम्हारी मम्मी नु हॉलिडे पे ले जाना चाहता हूँ। मैं नहीं जा सकती। मतलब तुमने मुझे माफ नहीं किया? ये सब बातें अभी करना इम्पोर्टेंट है, शाम को घर पे बात कर लेंगे प्लीज। माफ किया तो अभी हाँ कर वरना रहने दें। ठीक है डैड, जाना कहाँ है? वो ग्रेट ताजमहल, दिल्ली, जयपुर, अजमेर शरीफ, हरिद्वार, ऋषिकेश, केदारनाथ एटसेट्रा एटसेट्रा। हम इंडिया जा रहे हैं। अब शाहजहां ने ताजमहल वहीं बनाया तो उसे देखने के लिए वहीं जाना पड़ेगा। और तुम्हें तो कह दी थी यू हैव नॉट बीन टू इंडिया। So here you are, the offer is open. Dad, jo karna hai kijiye, okay? I've really got to go. Bye. Yes! Karo jo karna hai, lekin bharna bhi tum hi. Arey bhar diya hai. Jasmeet ka pura bio data aur ek photo bhi attach kar di hai. Galti ka koi scope hi nahi hai. bharatmatrimonial.com. Aise aise Punjabi ladke dhoond nikale maine, bas ek baar shaadi ho jane de, phir sab balle balle. ना सच्ची पागल हो गए। यू नो जसमीत पुत्र, कहने के लिए तो 7 अजूबे में से एक है, लेकिन बनाया तो किसी शौहर ने अपनी बीवी के लिए। हमें पता है डैड, आपको गाइड बनने की जरूरत नहीं है। हाँ, तब तो तुम्हें मालूम होगा कि शादी की कितनी अहमियत है, इसलिए मैं तुम्हें अब यहाँ कुछ लड़कों से मिलवाऊंगा। मैं उन लड़कों की जान ले लूंगी। बुल्ला की जाना मैं कौन, बुल्ला की जाना मैं कौन, ना मैं पीवा पंग शराबा, ना मैं पीवा पंग शराबा, बुल्ला शाह खड़ा है विच को। ये बनाएगा ताजमहल। बुल्ला की जाना मैं कौन,
हम दामाद ढूंढ रहे हैं, अगला इंडियन आइडल नहीं। डोंट वरी सर, अगला इससे भी अच्छा गाता है। आई मीन इससे भी अच्छा लड़का है, गाता बिल्कुल नहीं है। भाई वाह, क्या बढ़िया नजारा है हैदराबाद के चार मीनार का आपके घर से भाभी जी। क्यों जसमीत, मेरी कांग्रेचुलेशंस टू यू भाभी जी। अंकल आपने चीनी कितनी ली? क्या है ना कि टेस्ट से हैबिट के बारे में पता लगता है और हैबिट से कंपैटिबिलिटी का। बिना कंपैटिबिलिटी के शादी करना ऐसा है जैसे घोड़ी की गधे से शादी करवाना, जिससे टट्टू ही पैदा हो सकता है। Now my calculation show me कि जैज और मैंने दोनों ने एक चम्मच चीनी ली है जिसका। मम्मी ये बहुत फीकी है, एक चम्मच चीनी और देंगी प्लीज? Actually चीनी हेल्थ के लिए। अगर ये चीनी को छोड़कर हम शादी के बारे में। शादी नहीं अंकल, आपको कहना चाहिए दी परफेक्ट यूनियन ऑफ टू सोशली मेंटली एंड फिजिकली कंपैटिबल पीपल। क्यों जैज? फिजिकली कंपैटिबल, तो इसका मतलब शादी से पहले हम दोनों। Dad? Actually, uncle, she has a good point. Oh, shut up, Pointer Putar. Okay, uncle, relax. Okay, fine. Physical compatibility ka clause nikal dete hain. Clause? Yahan shaadi ki baat ho rahi hai ya partnership ki? Aap kuch bolte kyun nahi? Time pe kuch bol hi nahi payi. Ab to bahut der ho chuki hai. Kya bolu? Good joke. Which reminds me, sense of humor very important. हम ऐसा करेंगे कि आज शाम को हम एक कॉमेडी पिक्चर देखने चलेंगे और मैं नोट करूंगा कि जैज कहाँ कहाँ हंसेगी और जैज नोट करेगी कि मैं कहाँ कहाँ हंसूंगा और बेस्ड ऑन दैट एनालिसिस विद ए फ्लोट चार्ट। बेटा, इतनी एनालिसिस तुम्हारे मम्मी डैडी ने की होती ना तो तुम पैदा भी नहीं होते। मेरी शादी? इसको क्या हो गया? सर जी, ये सास और बहू सीरियल का बहुत बड़ा फैन है। यू ब्लडी ब्रोकर, यू ब्लडी। आखिर ये ब्रोकर यहाँ से भागा क्यों? लगता है यहाँ पर भी किसी वैम्प की कोई चाल है। क्या इन लोगों को मैं पसंद आ रहा हूँ? ये क्या नमूना है? आप अमोद और ये दिलीप मेहरा ही है ना? जी हाँ, मैं दिलीप मेहरा ही हूँ। मुझे लगता है आप मुझे पहचान नहीं पा रहे, क्योंकि से आगे भी तो बढ़, क्योंकि मेरी 3 बार प्लास्टिक सर्जरी हो चुकी है। उसके बाद भी ऐसे दिखते हो? क्या मतलब? ये क्या कर रहे हो? कितनी आसानी से आपने कह दिया ये क्या कर रहे हो। अजी शौक लगा है, शौक। भारत दर्शन, दूल्हा दर्शन, सब हो गया तो घर चले। होल्ड इट पुत्र यार, एक आखिरी स्टॉप फिर फुल स्टॉप। मेरा गांव, मेरा पिंड। भाई वाह, पंजाब हिंदुस्तान का अन्नदाता है। लुक एट द ग्रीनरी, हरियाली हरियाली है। काके तू होली चला, होली होली होली। वो पाजी, अगर मैं होली चलाऊंगा ना तो मुझे आ जानी है नींद, फिर मैं आप तीनों की कोई गारंटी नहीं ले सकता। अबे आगे देख, शीशे गिरा के ऐसी तो चला ले काका, खेत उड़ के फेफड़ों में आ गए हैं। वो सॉरी जी, मैं दरअसल एसी ठीक कराना ही भूल गया। ये जो मिट्टी है ना, देखिए आप, ये मैं, एक दिन सबने मिट्टी में उड़ जाना। अबे तू आगे ध्यान दे। अरे स्पीड में क्यों है आगे? इसको बोलो स्पीड कम तो करके दिखाए ब्रेकर। वो क्यों है? गाड़ी क्यों रुकी? हो गई स्पीड ब्रेक। कुछ करो ना, इनको कहो ना। नहीं वो तो सब ठीक है, लेकिन तू मेरे को ये बता कि इसे डायरेक्ट कैसे करना है। Don't irritate me, यार। एक तो मत मारिए, गर्मी में उसके ऊपर तू दिमाग चाटे जा रही, चाटे जा रही। एक तो है उसके ऊपर तू, you go inside, go inside। मतलब तू सब कुछ बताएगा, लेकिन ये नहीं बताएगा कि इसको डायरेक्ट कैसे करना है।
लो जाग गया जाट, तू अपना मुंह बंद नहीं रख सकती। तो ये बताना इसे डायरेक्ट कैसे करना है, कब से पूछ रहे हो डायरेक्ट? डायरेक्ट कर रहे हो? मिल गया डायरेक्ट करने वाला। रात को फिनिश होना है। बेबे कितने? जस्मीत आजा। सत्तिकाल बच्चों, सत्तिकाल। ओ बेबे, पेरी गुड बेबे। पेरी गुड नारे। फटिया उम्रा होन। कितने दिनों बाद देखा है तुझे? बेबो और जस्मीत भी आए हैं। अच्छा? जस्मीत? ओ जस्मीत। आजा कुड़िये। लो। जसवीत इतना कॉमन नाम है हर दूसरे बच्चे का नाम। चलो चलो दफा हो जाओ तुसी। इसलिए मैं उसे जैज बुलाता हूँ। जैज, जैज कम यहाँ। नहीं आ नहीं कुड़िये, मार जानी कितनी बड़ी हो गई है। ए जसवीत है जी। नहीं मैं मार जा, कितनी बड़ी हो गई ये तो है? इतनी सी थी जब गई थी, बड़ी सोनी है तेरी कुड़ी तो। मेरी कुड़ी है बेबे, मेरी कुड़ी। हाँ हाँ भाई। Wonderful place. Thanks, Dad. Stupid. लो जी। मम्मी डैडी नीचे है, मम्मी को दो। उनको दे आई, ये आपके वास्ते। अच्छा जी, अच्छा। अगर वेलकम ड्रिंक का साइज इतना है तो क्या होगा लंच में? डायनासोर तंदूरी? बस ऐसा आटा नहीं मिलता लंच में। चंगी तरह पुत्र खा ले, खा ले घी अच्छे से। नहीं नहीं, इजी इजी इजी, बस इतना इतना घी नहीं। और इस जैस को, इसको तो अच्छे से डाल, देख मरी पड़ी है, जान ही नहीं लगती इसमें। अब खाओ बेटी खाना, देखो कितना स्वाद लगेगा देसी घी का खाना। आया स्वाद। घी डालने के बाद टेस्ट आया क्या? इतने बाल खुश कर रहे हैं। लफड़, घी नहीं मिलता लंदन में। Wow, mom, having fun? ये क्या हो रहा है? देख नहीं रही? बाल कितने खुश्क हो गए, घी लगा रही हूँ। घी लगाना आपकी हॉबी है क्या? अभी लंच में आप चपातियों पे घी लगा रही थी। घी से रोटी स्वाद लगती है और बाल भी अच्छे रहते हैं। अरे वाह, मेरी पंजाबी मॉम। लेकिन इसकी बदबू जाती है? जाती है ना? What बदबू? What बदबू? This is not बदबू, this is
खुशबू। जैस, हाय हाय, इसको क्या हो गया? I'll kill you. I'm gonna kill you all. अगर मुझे पता होता कि तुम यहाँ रहती हो तो मैं इस तरह पी के नहीं आता। वैसे मैं हमेशा इसी तरह आता हूँ, कूद के। नाम अर्जुन है, तुम्हारा नाम क्या है? बहरी हो? चलेगा, मुझे वो भी चलेगा। ओ, गलती हो गया। Stupid moron. नाम पता करने में इतना वक्त लग रहा है, इसे अपना बनाने में तो पता नहीं। ऐसा है कि फ्रीजर खोलिए, बटर निकालिए, चाकू से लेके आप उसको काटिए, ब्रेड पे लगाइए और फिर खाइए। दिस इज लाइक इट इज राइट फ्रॉम द डेयरी। हे इधर आ, कम हियर जस्ट नाउ। व्हाट डैड, ट्राई सम देसी मक्खन। या कम चल रे पुत्र, तू एक तो ताजा ना के फ्रेश अगेन। आई एम लाइकिंग दिस। चिप एंजॉय दिस। चिप चिप। हे व्हाट हैपेंड? कल ये बेहोश हो गई थी, आज इसको उल्टी आ रही है, कहीं ये ना बीजी रब दी सॉन्ग। मेरी जस तो थेम्स की तरह पवित्र है। थेम्स? थेम्स? थेम्स क्या? लंदन की गंगा। लंदन च भी गंगा होती है? जमुना भी होती है। एक्सक्यूज मी, मे हैव सम मोर प्लीज? प्लीज। हां जी आ गया मैं जी, आ गया। ओ वीर जी, ओ की गल आजकल लुंगी चुंगी, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। बस हैवी मूड आया सी लुंगी पांदा यार। देसी पियो वीर जी, देसी। ओ ठीक है यार, बड़ा जरूर। ये हुई ना बात। और धारियों वाले कच्चे बड़े देखे थे, ये आड़ी तिरछी धारियों वाला कच्चा कहाँ से आ गया? यार ये इंग्लैंड का झंडा है, यूनियन जैक। ओ झंडा चाहे किसी भी देश का हो पर हिंदुस्तान नहीं होना चाहिए। आना था माशूका का दुपट्टा आ गई प्यो दी लूंगी, किस्मत ही खराब है। थैंक यू। ले आ पुत्र, ले आ जा, आ जा। वो हवा जो चली ऐसी उड़ी वो। थैंक यू। ओए राम लालो, गिर पाएगा भड़के। कोई गल नहीं, कोई गल नहीं। अरे ये तो मेरा पुत्र है अर्जुन। और पुत्र ये मेरा इंग्लैंड वाला यार मनमोहन। नमस्ते जी। ओए जिंदा रहे, जिंदा रहे। मैं तो इसे जानता हूँ। अच्छा, ये वही तो है कल जिसने हमारी गाड़ी ठीक की थी और आज लुंगी लौटा दी। देखो बड़ा अच्छा पुत्र है तेरा। ओए सॉरी, संभल के। अच्छा जी मैं चल रहा हूं। ओके थैंक यू। रब रखा बाप। जिंदा रहे पुत्र, जिंदा रहे। आराम ना, आराम ना। मेरी लाज रख ली तेरे पुत्र ने। अब तो यकीन हो गया है मेरा कार है। नाम तो बता दी जाओ। नाम नाम नाम। जैस। प्याज। Whatever. नहीं नहीं, माँ बाप ने जो नाम रखा वो बताइए, खाने पीने का नाम मत बताइए। नाम जसमीत। ओ किते चली है गोभी दा फूल भर के, कुड़िए बदामी रंगिए। क्या सोच रहा है मनु? यार बलिए,
मैं ये सोच रहा हूँ कि पहली फुर्सत में मैं तेरा बेटा छीन के उसकी शादी मैं अपनी बेटी से कर दूँ। काके, कुड़ी पसंद है ना तुझे? बेवकूफ चश्मा ला के देख ले, फिर ना की। बेबे, अगर मेरा व्याह देना नहीं होए ना, तो फिर मैं नू चक के ले। कुत्ता किसे था? गल्ला क्या हो चुका करता है? बेशर्म और ईमानदारी फर्क कुछ नहीं होता, फर्क सिर्फ सुनने वाले दे दिल में चोंदा है। जसमीर, तुझे पसंद है ना जमला जाट? 100% जी पसंद है, डन डन। मुबारका मुझे, मुबारका। May I have a word with you in private, Dad? बड़ी शाय है, चाइल्डहुड के जमाने से है। जसमीत, इस तरह सबके सामने, it's so embarrassing, you know? What happened? Dad, you cannot be serious about Arjun. Of course I am. अर्जुन बहुत अच्छा लड़का है जैस। मान लिया कि वो अच्छा है, then what? हम दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। मैं लंदन में पली बड़ी हूँ, वो यहाँ गांव में। शादी तो दूर, हमारे पास बात करने के लिए भी कोई कॉमन टॉपिक नहीं होगा। मैं कैसे एडजस्ट करूंगी उसके साथ? वो एडजस्ट कर लेगा, देसी है। And trust me, उसकी आंखें बताती हैं तुमसे कितना प्यार करता है, वो तुम्हें खुश रखेगा। Dad, I don't love him. You will fall in love with him. Give it a chance at least. Mom, आप जानती थी ये सब के बारे में? देखिए, इसकी बात भी एक तरह से सही है। मुझे लड़के में खराबी क्या है ये बता। गल कर दिए, सिर्फ यहाँ पैदा होने की वजह से वो खराब है? Oh, come on, Dad, be reasonable. चलिए, मेरी छोड़िए, मैं यहाँ नहीं रह सकती। तो ये गाय से डायरेक्ट दूध पीने वाला फार्मर, वो कैसे रहेगा मेरे साथ? Where will he find his cows? Mom, it's not fair. You tell him. I mean, this is ridiculous, यार। आधा हिंदुस्तान, अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, ना जाने कहां कहां बसा हुआ है, और उनमें से कई लोगों ने वहां के देसी लड़के लड़कियों से शादियां की हैं, और उनकी शादियां कोरों की शादियों से ज्यादा कामयाब है। अर्जुन तुम्हारी जिंदगी में वही स्टेबिलिटी, वही ठहराव लाएगा। मैं इसकी जिंदगी बिगाड़ नहीं बना रहा हूं, और इस बार मैं पक्का जानता हूं, और मैं अपना फैसला नहीं बदलने वाला, और ये बात तुम लोग अच्छी तरह समझ लो प्लीज। डैड, मुझे टाइम दीजिए सोचने के लिए। ओह श्योर डार्लिंग, यू हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड, थिंक अबाउट इट। कल सुबह तक वक्त है तुम्हारे पास, और मैं हाँ सुनना चाहता हूँ। ओ बली पाजी, ये ठंडी दे कर। डैडी की रह पुत्र, निभा पाएगा? मैं एडजस्ट कर लूंगा बापू। तेरी माँ तो इसी गांव की है, उससे आज तक एडजस्टमेंट कर रहा हूँ, ये तो लंदन की है। कोई गल नहीं बापू, मैं एडजस्ट कर लांगा, फिकर ना करो, तोड़ा पुत्र हूं मैं। जिंदा रहे पुत्र। ओ छेती थल्ले उतरो। जैज़ बेबी। इमरान, पैसे भेजे तुमने? रिलैक्स, अभी तो वेस्टर्न यूनियन के आयरलैंड में पहुंचा हूं। पैसे कब मिलेंगे मुझे? जब तक हम बात कर रहे हैं, ट्रांसफर हो जाएगा। वजन जो आज गए इनसाइड। भाई साहब, पैसे आए क्या? एक मिनट। He's just checking. हेलो पेंट। Oh, it's here. Thank you. One second, Jazz. One second. बात क्या है? तुम्हें इतने पैसों की जरूरत क्यों पड़ी? Listen, मैं भाग रही हूँ यहाँ से। ये लोग जबरदस्ती मेरी शादी करवा रहे हैं। Stupid. You kidding me? Okay. Jazz, listen to me very, very carefully. हंस क्यों रहे हो? नहीं, अपने घर में अपने कमरे का दरवाजा खटखटा रहा हूँ, मेहमान की तरह अंदर आ रहा हूँ, तो
हंसी छूट गई। बंद हो गई। क्या हंसी? अच्छा अच्छा, वो स्वीटी को क्यों भेजा मुझे बुलाने के लिए? समझ में नहीं आ रहा, कैसे बताऊं? कोई बात नहीं, मैं बाद में आ जाता हूँ। नहीं मतलब बैठो। मतलब तुम्हें इस शादी को लेकर जितनी खुशी हुई है जी, उतना ही बड़ा शौक लगा है मुझे जी। तुमने तो सुहागरात की सपने भी देखने शुरू कर दिया होंगे। हाँ वो तो मैंने कब के शुरू कर दिया, वो तो क्या मतलब जब तुम दूध का ग्लास आधा खाली करके बाकी मेरे लिए छोड़ दोगे। तो झूठा नहीं पीते हो? कोई बात नहीं, हम दो ग्लास मंगा लेंगे, एक तुम्हारे लिए एक मेरे लिए। छह गाय हमारे पास, रईस खानदान है हमारा। वो नहीं, उसके बाद तुम मेरा घूंघट उठा के मुझे प्यार करना चाहोगे? तो घूंघट उठाए बिना ही शुरू हो जाऊं? लिसन, मुझे नहीं पता था कि पहली बार इंडिया आते ही मेरी शादी फिक्स हो जाएगी। आई मीन मुझे वक्त चाहिए और मैं चाहती हूँ कि हमारी सुहागरात हमारी एक दूसरे को जानने के बाद लंदन में हो। इनफैक्ट मैंने डैड से कहा भी है कि शादी की रात ही हम लंदन जाएंगे। तुम एक बार लंदन आ जाओ, मेरे लाइफस्टाइल देख लो, हम दोनों एक दूसरे को समझ लें, उसके बाद मैं यहाँ वापस आने को तैयार हूँ। आई होप तुम मेरी बात समझ सकते हो। सकता हूँ, समझ गया। इश्क में कोई जोर नहीं जालिम, और तुम्हें देखते ही पहली नजर में मुझे तुमसे इश्क हो गया था। अब तो हमारी सुहागरात लंदन में ही होगी। फिर हंस रहे हो? बस ये सोच रहा हूँ कि मैं अपने खानदान का पहला लौंडा होऊंगा जो लंदन में जाके सुहागरात बनाएगा। जाता हूँ, थोड़ा डंड शंड पेलता हूँ। और जसवंत, काड़े का बुआ खोलियो। करता है परवेज, कंजूसी मत कर यार। एक ही तो बेटी है मेरी, एक ही दामाद, रिसेप्शन तो एक ही होना। अरे लंदन में ग्रैंड स्केल में रिसेप्शन होना चाहिए, पूरा लंदन देखे, चर्चे हों कुछ। ले पुत्र चीज का। मैं कलिंगर खाऊंगा। ओके एंजॉय। ये हॉल में कोई रिसेप्शन नहीं होगा, तो? हम अपने तरीके से करेंगे। कंट्री साइड में एक घर किराए पर लेंगे और वहां शामियाना लगाएंगे। हां ठीक है। और उसके बाद ढोल बजाएंगे और उसके बाद जबरदस्त आतिशबाजी करेंगे, तब होंगे चर्चे। बल्ले 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 बल्ले। सुहागरात हुई नहीं है, रिसेप्शन की बातें हो रही है। दुल्हन तो दूर की तरह सहेलियां भी नजर नहीं आ रही, जो मुझे कमरे तक पहुंचा के धक्का देके अंदर भेज दे। पता नहीं क्या हो रहा है। बता दे उसे। जैज जैज आओ ना, फैसला हो गया। तेरा रिसेप्शन किसी होटल शोटल में नहीं होगा, कंट्री में होगा। कंट्री साइड, फुल देसी स्टाइल, एब्सोल्युटली देसी। कैसा रिसेप्शन? आई एम सॉरी, आप लोग रिसेप्शन क्यों दे रहे हैं? अच्छा, अगर इंडिया में हुए उस ड्रामे को आप शादी कह रहे हैं और उसके लिए रिसेप्शन दे रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, एक ड्रामा मैंने भी किया था। जैस पकड़ी जाओगी तो और ड्रामा हो जाएगा, मोस्टली इमोशनल ब्लैकमेल, शायद टॉर्चर भी। जस्ट प्ले अलोंग। अरे यहाँ पे शादी को कौन मानेगा? सिर्फ सात फेरे ले लेना, यहाँ लंदन में शादी नहीं मानी जाती। लीगल प्रूफ क्या है कि मैं मैरिड हूँ? वहाँ कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। आई मीन दिस जज कैन गेट डैम एग्रेसिव। मेरी इज्जत का सवाल है, मुझे सिर्फ इससे शादी करनी है
यहाँ आके क्या करेगा? घर जाएगा अपने चुपचाप? जसमीत, ये क्या कह रही हो तुम? ओ प्लीज, इतना शॉक मत एक्ट कीजिए डैड। आपने भी तो मुझे ट्रिक किया ना, ताजमहल और कश्मीर दिखाने के बहाने मेरी शादी करवा दी। मैंने भी बस एक ट्रिक खेली और आपको वहाँ मैरिज रजिस्टर करने का टाइम नहीं दिया, और अनरजिस्टर्ड मैरिज को यहाँ का लीगल सिस्टम मानेगा नहीं। तो रिसेप्शन भूल जाइए, क्योंकि मेरे हिसाब से मैं अनमैरिड हूँ, सिंगल हूँ। So, thanks for a great adventurous holiday. Nice meeting you, Mr. Arjun Singh. Namaste. Khuda hafiz. Bye. Nothing personal. अरे ये क्या पूछ रही हो तुम जसमीत? मेरे हिसाब से तुम्हारी शादी हो चुकी है अर्जुन सिंह के साथ, और मेरे हिसाब से उस चार्ली चैपलिन की भी हो चुकी है। अरे एक नहीं, दो बार तीन बार। हाँ सुना तुमने, तीन बार? वो चमन चार्ली शादियों का रिकॉर्ड बनाना चाहता है या तुम उसके डिवोर्स का रिकॉर्ड तोड़ना चाहती हो? लाइफ पार्टनर चुनने में गलती हो सकती है, उससे भी हुई। अरे जो गलती एक बार करे उसे गलती बोलते हैं, लेकिन जो गलती बार बार करे उसे आदत कहते हैं। कल को तुम्हें भी छोड़कर कह दे सॉरी फिर गलती हो गई तो क्या करोगे? करेक्ट। लुक गाइस, आपकी मर्जी हो ना हो, मैं चार्ली से ही शादी करूंगी। अगर गलती हुई भी तो कम से कम मेरी गलती होगी, आपकी नहीं। तो चिल। तुमने मुझसे एक सवाल पूछा था, उसका जवाब देने आई हूँ। What? I'm sorry. Spent too much time in India. Spoke too much Hindi. Didn't realize what I was saying. But I do realize the answer to your question is yes. Yes, I will marry you. Come here, little मेरा दिल मुझसे कहता रहा कि उसे तुमसे अच्छा लड़का नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने उस पर जोर डाला। लेकिन मैं उसकी शादी उस चार्ली के साथ नहीं होने दूंगा। आई प्रॉमिस यू, चाहे मुझे इस बार और भी जबरदस्ती करनी पड़े। ये लंदन है, पंजाब नहीं है। घर छोड़ के चले जाएगी, अगर आपके खिलाफ शिकायत कर दी तो पुलिस पकड़ सकती है, आपको जेल भी हो सकती है। जब तक बाहर आएंगे तब तक आप दादाजी बन जाएंगे और मैं कुंवारा बाप। तो फिर मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? आप कुछ मत करें, कुछ मत करिए आप, क्योंकि आप जब भी कुछ करने जाते हैं उसका उल्टा ही असर हो जाता है, और उसके अंदर आप अपनी बेटी खो बैठेंगे और मैं अपनी बीवी। राजे तुम कुछ ऐसा करो जिससे तुम उसका दिल जीत सको, यू नो, कुछ ऐसा करो कि वो चार्ली नीचा दिखे। कुछ ऐसा स्टाइल दिखाओ या कोई ऐसी हीरोगिरी करो जैसे she feels that you're the better person. You know what I mean? ससुर जी, ये वक्त स्टाइल दिखाने या हीरो बनने का नहीं है, ना किसी को नीचा दिखाने का। ये वक्त है सच्ची मोहब्बत का। अगर उसे ये मोहब्बत दिख गई तो हो सकता है उसे भी हमसे प्यार हो जाए। अरे वो गोरा है, गोरा। अगर हिंदुस्तानी होता तो आप मुझे पंजाब वापस भेज देते। अरे नहीं हुए, मेरा मतलब ये नहीं था। शरीर फॉरेन में पड़ा है लेकिन एक अंगूठा गेटवे ऑफ इंडिया में दे रखा है। साफ सुथरे लंदन में रहना चाहते हो, पाउंड्स में पैसे कमाना चाहते हो, बच्चों को अंग्रेजी तालीम देना चाहते हो, लेकिन दामाद, जी दामाद हिंदुस्तानी होना चाहिए। कमाल है। ससुर जी, हमारी शादी न जायज मानती है न आका का। सिर्फ एक ही रास्ता हमारे पास, बस जसमी जो कहे वो करते रहिए, क्योंकि इन हालात में वही होगा जो वो चाहती है, बस। थैंक यू। सुज़ैन,
Layla. All right, and that's for myself. Thank you. Oh, that must be Jazz. I'll get it. शर्मानी चाहिए तुम्हें. Oh, enjoy the party. You've made me the happiest man in the world. What? I'm sorry. I've just been through a lot lately. Just let me sort out my life mentally, then you can do what you want physically. It's fine. There's no rush. Good night. Night. Sleep well. You too. अंग्रेज हैंडसम है. लेकिन मुझसे ज्यादा नहीं. अरे मैं मजाक कर रहा हूं. अब इससे ज्यादा अपनी बीवी के बॉयफ्रेंड की तारीफ नहीं होती. नाम क्या है? चार्ली ब्राउन. चार्ली ब्राउन. और तुम जसमीत ब्राउन? नहीं, जसमीत ब्राउन नहीं, जैज ब्राउन. जैज ब्राउन. या तो तुमने पक्का इरादा कर लिया जैज ब्राउन बनने का? हाँ. तो फिर पंजाब में मुझे छूट क्यों बोला? लंदन में स्वागरात बनाने का सपना क्यों दिखाया मुझे? इसी यकीन से कहती कि मिसेज अर्जुन सिंह ने जैज ब्राउन बनना है तो मैं हट जाता. आई नो मैंने तुम्हारे साथ पूरा किया. तुम शायद जिंदगी भर मुझसे नफरत करो, लेकिन मैं तुमसे नफरत नहीं करता. ना कर सकता हूं और ना करूंगा. क्या? तुम्हें देखते ही मुझे तुमसे प्यार हो गया था और इसीलिए मैंने तुमसे शादी की. हाँ, कुछ देर ऊपर तुमसे नफरत करने की कोशिश की लेकिन हुई नहीं. लेकिन जबरदस्ती तुम्हारा पति भी नहीं बनूंगा और ना ही हिम्मत हारूंगा. मैं यहां से जाऊंगा और जसमीत तब तक नहीं जाऊंगा जब तक कि तुम और चार्ली चर्च में एक दूसरे के साथ रहने की कसम नहीं उठाते. तब तक मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा और उम्मीद करूंगा कि तुम मेरे पास लौट के वापस आओ. पता है क्यों? तुम्हें पहली बार देखते ही मुझे तुमसे प्यार लगा. शोरूम. क्या बात है, दुनिया कितनी छोटी है ससुर जी. इंडिया में मैं यही ब्रांड पहनता हूँ और ये पहला इंडियन डेनिम ब्रांड है जिसका शोरूम लंदन में भी खुला है. और तुम वो पहले इंडियन हो जो लंदन में अपनी बीवी की शादी करवा रहा है. कुछ करो अर्जुन. अरे मैं क्या करूं, आप कर रहे हैं ना. मैं क्या कर रहा हूं? अपनी बेटी की दूसरी शादी की तैयारी. Well, I am Jazz's father, Manmohan, and this is my wife, Bebo. Very pleased to have you here. Yeah. Would you sit down? Thank you. Have some tea. Teri pan. एक साल के अंदर दो दो समधी समधन, एक पंजाब दूसरा लंदन, क्या होगा? और बुलाओ फ्लैन. I'm sorry. Excuse me. Hello? Hello क्या? मैं तेरा समधी और तेरा यार बल्लू. बल्लू यार, मैं यहाँ जैज के रिसेप्शन की तैयारियां कर रहा हूँ, तुझे बाद में फोन करता हूँ. ओके, सत श्री अकाल. बलिए फ्रॉम फगवाड़ा. एवरीथिंग ऑल राइट मिस्टर मलहोत्रा? नो नो नो, एवरीथिंग ऑल राइट. ऑल राइट. वैसे इनका नाम ब्राउन है लेकिन है बिल्कुल वाइट.
एकदम चिट्टे. Some milk, Mr. Malhotra? No, I'd like it brown. I mean, I'd like it black. Black tea. Black. This might sound odd, coming from your future father-in-law. I just hope you know what you're doing, Jazz. Charlie is like an overgrown child. He gets obsessed with a new toy for a while and loses interest. I truly hope that won't happen this time, that his interest in you remains forever. Charlie's Aunt Pauline and her husband, Mr. William Knott. How do you do? Hello. Oh, Pauline. So shocked to see your nude picture on a beach in some newspaper. No. What she meant to say was, she's very upset with the press for what they're doing with respected people like you. So don't. Kuch bhi kehne diya chaliye to jaldi ki kariye. John. Jazz, this is Mr. John Pringle. He's got an old connection with your idiot. His great-grandfather was a high-ranking officer of the East India Company. Oh, really? Oh, this Hi. Is my fiancé, Jazz. Jazz? Isn't that a kind of music? So when did Indians have such fancy names, Charlie? Actually, it's short for Jazz. Just me. Oh, then Jazz must be your attempt to be one of us. That's one smart girl you've got there, Charlie. And I don't blame her. She doesn't want to be known as coming from the land of snake charmers, right? Tell me, Jazz, do they still do the Indian rope trick in your country? No, Mr. Pringle. And it's actually not just the land of snake charmers. Right, Charlie? Yes, sir. It's not just a land of snake charmers. It's also a land of chicken tandoori and call centers. Obviously. You know India's not just all that, right? Of course, my dear. India's not all that. Fortunately, Charlie doesn't know. But I do. Winston Churchill once said, if we ever left India, it would be run by the goons. And my God, it is. If you'd just excuse me. Certainly, my dear. मुझे बुरा लगा क्योंकि मैं इंडियन हूं. लेकिन तुम्हें क्या हुआ? तुम्हें क्यों बुरा लगा? तुम तो ब्रिटिशर हो. खैर छोड़ो, तुम कहीं की भी रहने वाली हो, रहोगी तो तुम इंडियन ही ना. चलो. कहां? उसके परदादा ने कोई और इंडिया देखा है. असल इंडिया की सैर करवाते हैं उसे. Mr. Pringle, he would like to tell you something about India. Really, I'm all ears. Namaste. Sir, मेरा नाम है अर्जुन सिंह. 5,000 साल पुरानी सभ्यता की वजह से हम हिंदुस्तानी सबको ऐसे ही झुक के प्रणाम करते हैं. When we greet one another, we fold our hands in namaste because we believe that God resides in the heart of every human being. ऐसी सभ्यता जिसमें एक कैथलिक औरत प्रधानमंत्री की कुर्सी एक सिख के लिए छोड़ देती है और एक सिख प्रधानमंत्री पद की शपथ एक मुस्लिम राष्ट्रपति से लेता है. उस देश की बागडोर संभालने के लिए जिसमें 80% लोग हिंदू हैं. We come from a nation where we allow a lady of Catholic origin to step aside for a Sikh to be sworn in as prime minister by a Muslim president to govern a nation of over 80% Hindus. आपकी मातृभाषा अंग्रेजी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हमारे ही देश में घसी जाती है. और आपको शायद ये भी नहीं पता होगा कि अंग्रेजी के ज्यादातर शब्द संस्कृत से लिए गए हैं. संस्कृत का शब्द मात्र अंग्रेजी में मदर बना, भ्रातृ बना ब्रदर, ज्यामिति बनी ज्योमेट्री और त्रिकोणमिति बनी ट्रिग्नोमेट्री. It may also interest you to know that many of the origins of your words come from Sanskrit. For example, matru becomes mother, tatru becomes brother,
geometry becomes geometry, trigonometry becomes trigonometry. आपको शायद ये बात दिलचस्प लगे कि हमारे यहाँ 21 भाषाओं में 5,600 अखबार और 3,500 मैगजीन छपती है, जिनको पढ़ने वालों की संख्या 12 करोड़ है। आपके देश के मुकाबले में कई ज्यादा है। We have 5,600 newspapers, 35,000 magazines in over 21 different languages with a combined readership of 120 million. चांद तक पहुंच गए हम, लेकिन अब भी आप लोगों को हम हिंदुस्तानियों के हाथ में सिर्फ सांप की बीन ही नजर आती है। We have reached the moon and back, but yet you people still feel that we have only reached as far as the Indian rope trip. Doctors, engineers or scientists ki ginti mein jinab hum sirf do mulkon se peeche. We have the third largest pool in the world of doctors, engineers and scientists. Ye thi dimag ki baat, ab karte hain taqat ki baat. Duniya mein teesri sabse badi fauj hamare yahan aapke aage. Phir bhi मैं आपके सामने झुक के आपको प्रणाम करता हूँ, क्योंकि हम किसी को अपने आप से छोटा या कमजोर नहीं समझते। नमस्ते। Maybe your grandfather didn't tell you that we have the third largest army in the world, and even then I fold my hands in humility before you because we don't believe that we are above or beneath any individual. और खूबियां भी है हमारे पास, वो सब जानने के लिए मैं मनोज कुमार की पूर्व और पश्चिम की डीवीडी आपको भेज दूंगा इन्हें दे दें। एंड नमस्ते। अर्जुन, थैंक्स फॉर दैट। आखिर में पति काम आया ना। अरे मैं मजाक कर रहा हूँ, पिछले नहीं देखती क्या? Jazz, there you are. Hey, great speech, man. We haven't been introduced. I'm Charles Brown. Arjun Singh. And how do you know? तुम कौन? I friend India, India friend. Great. So you must be here for the wedding, right? क्या बोला? मतलब तुम वेडिंग हमारी शादी की वजह से? जी भाई साहब, हमारी शादी की वजह से आया हूं मैं। But there you go, Jazz. You said you couldn't find any bridesmaids. Maybe this man could be your best man. मतलब तुम मेरी वेडिंग पे बेस्ट मैन बनना? बेस्ट मैन की हिंदी मुझे नहीं आती। नहीं नहीं, मैं समझ गया। बेस्ट मैन यानी कि तुम्हारी जिंदगी का सबसे अच्छा आदमी तो मैं ही हूं। Do you know what would be great? A rugby match. India versus England. The Maluchas versus the Browns. This Sunday. Let's see how good India is at something that's not cricket. What do you say? Great. Well, nice meeting you, Arji. Come on, darling. My dad's about to make a toast for us. Come on now. Would you mind taking a break now, gentlemen? Just five? Thanks very much. Hello. May I ask for your attention, please, ladies and gentlemen? Now, has everybody got a drink? Fine. Just want to say a few words. Welcome, family and friends. We're happy you're here as we welcome Mr. and Mrs. Balotra into our family. Hello, sir. Mind you, thanks to Charlie, I get to see you all rather too frequently. Unfortunately, this is the fourth occasion in the last 2 years. Yes, well, my son says that I should try to forget the past and look forward to the future. And he's quite right, of course, because the future is this bright and beautiful girl next to him, Jazz. I'm sure he's found true love this time. Congratulations to you both, Jazz and Charlie! Thank you.
हिंदुस्तान जाना चाहता हूं, लेकिन जसमीत से दूर रहना बर्दाश्त नहीं होता। थैंक यू। रुकना चाहता हूं, लेकिन जसमीत ये जो सब कुछ कर रही है वो भी बर्दाश्त नहीं होता। शराब पीने से क्या ये तकलीफ कम हो जाती है? ऐसे मौके पे तो जहर खाना चाहिए। ये तो मेरा दिल है जो सिर्फ शराब पी के काम चला रहा है। उम्मीद की बात करते हो, मोहब्बत की बात करते हो, आज खुद ही हिम्मत हार गए। बातें तो मैं बहुत करता हूं, बस भूल जाता हूं कि मैं हूं तो इंसान ही ना। हाँ, एक बात बताना भूल गया मैं, मुझे रग्बी खेलना नहीं आता। यार हो सकता है अंदर से ये अंग्रेजों की तरफ हो। No trick, is it, boys? ये हक कौन से फट्टे में टांग अड़ा दी यार? हमारे यहाँ शादी में ज्यादा खेल लिया तो अंताक्षरी या चंडी बनाए पहने अपनी इज्जत बचा रहे। वो इसलिए क्योंकि वो उल्लू का पट्टा पंजाबी पुत्र चैलेंज ले आया। ओए, मगर वो उल्लू का पट्टा पंजाबी पुत्र है कहाँ? उधर स्टैंड में औरतों के बीच बैठे हुए पॉपकॉर्न के मजे लूट रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पासा पलट सकता है, चलो कोई बात नहीं। टिपिकली इंडियन, हारने पे भी उम्मीद नहीं छोड़ते। ओह, जब तक हार नहीं होती ना तब तक आदमी जीता हुआ रहता है। लेकिन चार्ली यूनिवर्सिटी रग्बी चैंपियन है, तभी तो उसने तुम्हें क्रिकेट के लिए नहीं रग्बी के लिए चैलेंज किया। अच्छा अच्छा, मुझे लगा उसने लगान देख ली इसलिए किया। क्या लगा? तुम पिक्चर नहीं देखती क्या? देखती हूँ लेकिन हिंदी नहीं। ओ, तभी तो अरे उम्मीद है तो सब है, शर्त लगाती हो? मत लगाओ, तुम हार जाओगे। वो मेरी प्रॉब्लम है, जीत गए तो तुम मुझे लंदन घुमाना, हार गए तो मैं बोरिया बिस्तर बांध के पंजाब चला जाऊँगा। ये पंजाब जाने की धमकी क्यों दे रहे हो? चलो तुम्हारे भी तो भी मैं तुम्हें लंदन घुमाऊंगी। इमरान, अर्जुन, या शर्त याद रखना, लंदन घुमाना तुमने मुझे। शाबाश है जवान दी मुझ। करना क्या है? ना क्या है, बस बॉल फड़ और सांड की तरफ गोल पोस्ट की तरफ भाग बस। Get there. Get out. Hold it,
Yes! Unbelievable. Georgia! पानी पीजिए। थैंक यू। सॉरी। तुम्हारे साथ इतना बुरा किया लेकिन तुम मुझसे जरा भी नाराज नहीं। जहाँ प्यार होता है वहाँ नाराजगी नहीं उम्मीद होती है। कैसे उम्मीद? यही कि तुम इतने बुरे रग्बी प्लेयर के साथ शादी नहीं करोगे और अगर की तो कई सालों के बाद जब हम बूढ़े हो गए होंगे मैं लंदन आके तुम्हें फोन करूंगा। और फोन पे कहोगे क्या? फोन पे कहूंगा कि जसमीत मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, आके मिलो जरा। तुम मुझसे मिलना नहीं चाहती। इतने सालों बाद क्यों मिले? क्या होगा मिलके? लेकिन मैं जोर देता हूँ ना मत करो जसमीत, तुम मर जाती हो। इनकार एकदम पक्का है, आवाज एकदम मजबूत। अच्छा रहेगा कि हम ना मिले। लेकिन मैं वही तुम्हारा इंतजार करूंगा इसी उम्मीद में कि तुम आओगी। फिर अजीब सा लग रहा है। एक दूसरे के चेहरे को देख के याद कर रहे हैं कि हम जवानी में कैसे दिखते थे। तुम अभी भी बहुत खूबसूरत हो। बकवास मत करो, बूढ़ी हो गई हूँ मैं। तुम नीचे देखने लगती हो। मैं जिस तरह तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर देख रहा हूँ तुम्हें अच्छा नहीं लगता। आखिर वापस आए क्यों? एक पल को सब चुप, बोलने को कुछ नहीं रहा। तुम खामोश खड़ी हो वहां। एक दर्द उतरा है तुम्हारी आंखों में और फिर मेरी आंखों में। तुम खुश तो हो ना? जवाब क्या दिया मैंने? और तुमने कहा इश्क दी मेरे मित्रां पहचान की मिट जाए जदों जिद अपनान दी। इसका मतलब क्या है? मुझे क्या पता, तुमने कहा तुम्हें पता होगा।
There we go, darling. Who? Thanks. One for the big man. Shukriya. Whoa, this man can drink. So tell me, Arjit, besides our marriage, what brings you to London? क्या कह रहे हैं भाई साहब? पूछ रहा है शादी के अलावा क्या वजह है लंदन आने की? अपनी बीवी को मनाने के लिए और उसे घर ले जाने के लिए आया हूँ. What do you say? I marry Jazz. Parcel take away. I think I got it. So you're staying for a wedding and then you're gonna, well, go. yeah. Good man. जसमीत जी ने अंग्रेजी में बता दो वरना कल को कहेगा कि मैंने अपना असली इरादा बताया नहीं. Whatever. Well, we'll leave you guys to catch up. Come on, girls. I'll go. It's dancing time. कौन सा इरादा? कौन सा इरादा? So, what's your problem, my man? Sir? Can't you find yourself a girl in your own community? Or are you just curious to know what children from mixed marriages look like? Great joke. I love Suzanne. I'm gonna marry Suzanne. I mean, I want to marry Suzanne. So what will it be, Imran? Would you prefer the name Emmanuel? Or would you like Ian as in Ian Fleming? I don't really understand, sir. Suzanne? He's talking about changing your name, of course, from Imran to something more appropriate. I suppose you do understand that you have to be a baptized Christian to marry my daughter, right? Yeah, but of course, sir. And you have to provide me with a written statement clarifying that none of your family members are involved in terrorist activities. तुम यहां क्या कर रहे हो? यही सवाल मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि तुम यहां क्या कर रहे हो? हमेशा तुम्हें किसी डिस्को या किसी शराब खाने में देखा है. वो मैं अपना मजा बदल रहा हूं. मतलब जाते हुए सिपाही का सलाम लेता जा. लेकिन इमरान, अलविदा कहने से दगा देने का एहसास तो नहीं मिटता ना? सुजैन के फादर चाहते हैं कि मैं अपना नाम, मजहब सब बदल के क्रिश्चियन बन जाऊं. सुजैन के पिताजी से शादी कर रहे हो? लेकिन सुजैन ने इस बात के खिलाफ कुछ नहीं कहा. इसका मतलब तो... शाबाश मेरे आशिक. 26 साल का नाम, पहचान, मजहब उस माशूक के लिए छोड़ दिया जिसे 26 हफ्तों से जानते हो. वो देख रहे हो, वो पिता अपने संस्कार अपने बेटे को देना चाहता है क्योंकि उसके पिता ने उसको दिए. लेकिन जिस दिन उसको पता चलेगा कि बिना सोचे समझे उसका बेटा उसकी दी हुई सारी तालीम, सारे संस्कार छोड़ के जा रहा है, तो उसके दिल पे क्या गुजरेगी? पंजाबी मैं भी हूं, इश्क की कदर करता हूं, लेकिन इश्क में कोई शर्त नहीं होती बादशाह. चलता हूं. Everybody, I'd like to introduce Emmanuel. No, Imran. I'm Imran Khan. I'm sorry, Susan. I will not change my name or religion. I respect all religions. And we can't build a relationship on such conditions. I can't give up who I am to become one of you. What the hell are you talking about? Sir, I'm sorry, but your conditions are just unacceptable for me. Suzanne, I love you. And I want you to love me for who I am, not what you can make me into. And if this relationship is about changing my name or religion, then I'm sorry. I don't think it's worth the effort. Hey, coming, bhai, aa raha hu. Thank you.
excited. I have us both enrolled in dance classes. What? Hardly think I need dance lessons, honey. Well, I've had enough practice dancing at my previous weddings. Seem to forget this is your first time getting married, not mine. It's my fourth. But I need a partner, and it's our wedding. At least keep me company. Well, don't let me stop you. You go ahead. Why don't you get your friend Argy to step in for me? It's not Argy, Charlie. It's Arjun. And no, I mean... Jazz, look, I've got to go. I've got another call coming, okay? Charlie? Charlie? Timothy! I don't believe him. You're doing great. And more passion. Head up. Chin up. Up. Good. Keep going. Let's keep going. Thank you, Arjun. तुम्हारे साथ डांस करने का मौका तो मैं वैसे ही नहीं छोड़ता. वैसे ठीक ठाक नाच लेते हो. एक बार ढोल बजा के देखिए, फिर बताता हूँ पंजाबी डांस क्या होता है. भांगड़ा, I must say, तुम्हारा टेस्ट अच्छा नहीं है. ऐसा मत बोलो, तुम्हें मैंने पहली नजर में पसंद कर लिया था. लाइन मार रहे हो? पहले दिन से मार रहा हूँ, तुम्हें अभी पता चला है? घर जाओगे तो क्या करोगे? किसी और से शादी करोगे? मैं शादीशुदा हूँ. I know, मजाक कर रहा हूँ. पिक्चर नहीं देखती? नहीं, मजाक नहीं कर रहा हूँ. दोबारा शादी नहीं करूँगा. Hi, Charlie. Jazz, I need you here now. You need me to come right now? Don't argue with me. It's worth it. Can you just give me 5 minutes? I'm at the dance class. Just forget about the dancing. Leave the dancing for a minute. Not a hard concept to understand. The man leads, the woman follows. Charlie, don't behave like a child. Just give me 5 minutes. Don't call me a child. Just give him the taxi, and I'll pick it up the other end, okay? I need you here right now. Fine, I'm coming. I'm sorry. चार्ली भाई साहब के पास डांस करने का टाइम नहीं है, लेकिन सही मौके पर फोन करने का टाइम जरूर है. ओके, नमस्ते. This is the perfect location for our reception. Follow me. We'll have the band playing here. We need to sort out a band. I'm thinking about asking Phil Collins. And if you come over here, we're gonna have the biggest dessert buffet anyone has ever seen, the most exotic sweets anyone has ever tasted. Have the marquee over the whole grounds. I'm gonna erect some giant Roman pillars. Maybe have all the waiters dressed as gladiators. What are you thinking? Jazz? Yeah. What are you thinking? Yeah. You make me laugh sometimes. Come on, let's go inside. There's so much more to show you. Trust me.
Charlie. We are getting married in a couple of days. Will you stop acting like a bloody Indian bride? Arjun, I'm serious. I want a divorce. शादी को शादी नहीं माना, डिवोर्स को डिवोर्स कैसे मानोगी? लेकिन तुम मानते हो और ये बात परेशान करती है मुझे. चार्ली मुझे किस करना चाहता था और ऐसा ही भी है. हमारी शादी होने वाली है, पर मैंने उसे हमारा झगड़ा हो गया. तुम बस मुझे डिवोर्स दे दो. लंदन बेबे पंजाब जैसा ही है, बस फर्क करना है कि लंदन में पंजाबी ज्यादा है. कहीं घूमा फिरा भी के नहीं? घूमा ना बेबे, घूमा जब से आऊं तब से घूम ही रहा हूं. तो फिर वापस क्यों आ रहा है? वापस इसलिए आ रहा हूं कि तुम लोगों की बड़ी याद आ रही है बेबे, गांव की बड़ी याद आ रही है. और जसमीत? जसमीत तो अपना सामान बांधे बैठी है, लेकिन मैंने मना कर दिया. क्यों? छुट्टी नहीं मिल रही ना ऑफिस से. वो तो पगली है, नौकरी छोड़ने की बात करती है. मैंने मना कर दिया. नहीं दी बेबे. बेटा एक बात बता सच सच, तुम दोनों की बनती तो है ना? बनती? बनती का क्या मतलब है? हाँ, उसे और ज्यादा प्यार हो गया सुहागरात के बाद से. चल चंद्रा ना होवे तो. अरे मैं मजाक कर रहा हूँ, और तू तो पिक्चरे भी देखती है. अच्छा अच्छा चंगा चंगा मैम. जिंदा रहे पुत्र, जुग जुग जीवे, जवानियां माने. पैरी पहना बेबे, रब रखा. इश्क दी मेरी मित्रा पहचान की, मिट जाए जदों जिद अपनान दी. असली प्यार का मतलब हासिल करना नहीं होता, यही मतलब है ना? हाँ, वो प्यार में जो हार जाते हैं उनका दिल रखने के लिए लिखी गई है. अब मैं मजाक कर रहा हूँ, ये मैंने लिखी है. एक आखिरी बार कंग्रेचुलेशंस. यू आर राइट चार्ली, आई गॉट टू बी द बेस्ट मैन, बट यू द मैन फॉर जैज. शी लव्स यू एंड आई विश यू बोथ अ वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ. प्लीज टेक केयर ऑफ जसमीत, स्वीट लिटिल जसमीत. Don't hurt her. Ever. Or else I'll come back for a match and this time it won't be rugby. Goodbye, Charlie. Goodbye, Jasmine. Do you, Charles Brown, take this woman, Jasmeet Singh, to be your wedded wife? And do you promise to love her, comfort her, honor and keep her in sickness and health, and forsaking all others, keep thee only unto her for as long as you both shall live? I do. Do you, Jasmeet Singh, take this man, Charles Brown, to be your wedded husband? And do you promise to love him, comfort him, honor and keep him in sickness and health, and forsaking all others, keep thee only unto him, for
for as long as ye both shall live. Jazz? No. नाटक का एंड तो उसी पार्टी में हो गया था जब हमारे वो प्रिंगल भाई साहब अंग्रेजी में बोले थे और मैंने उसकी बातें समझकर उसको हिंदी में करारा जवाब दिया था। तुम्हें तो वहीं पकड़ लेना चाहिए था। जसमीत, मैं तुमसे भी अच्छी अंग्रेजी बोलता हूँ। But you see, I'm Punjabi at heart. I didn't want any confusion about that. अरे मजाक कर।